भाई गुजरनाथ काशी जिसको बहुतों ने धमकाया चमकाया देख लेने की धमकी दी, हमारे पूरा का पूरा पुलिस विभाग के बहुत से हमारे पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी बचे। गुजरनाथ काशी पर कोई भी आ जाएगी तो यहां की पुलिस जवाबदेह होगी, क्योंकि शारीरिक रूप से उनको इस जवाब की जानकारी मिल रही है। माननीय मंत्री जी जिंदाबाद। जैसा कि आप जानते हैं हम इस देश के सामाजिक परिवर्तन के महानायकों की जयंती के अवसर पर यहां पर इकट्ठे हमारे महापुरुषों की जिन लोगों ने हमें सम्मान सम्मान से जीने का अवसर दिलाया, लंबा संघर्ष किया, त्याग किया और उसी का नतीजा है कि आज हम संपूर्ण राष्ट्र भारत के नागरिक हैं, भारतीय संविधान से संचालित है। ये हमारे महापुरुषों की देन है। इसलिए सबसे पहले मैं अपने इन दोनों महापुरुषों को सामाजिक परिवर्तन के महानायकों के बारे में खुलेंगे और भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को अपनी ओर से आप सब लोगों की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं, वंदन करता हूं और उनके जयंती के अवसर पर आप लोगों को बहुत ढेर सारी बधाइयां देता हूं, शुभकामना देता हूं। ताकि आप जानते हैं आज हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को किताबों में पढ़ते हैं, ज्योतिबाबा फुले जी को किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन शायद जिसमें ज्योतिबाबा फुले जी इस सामाजिक परिवर्तन आंदोलन का संग्राम कर रहे थे उसमें देश की हालत क्या थी, इस देश की महिलाओं को पढ़ने लिखने का आकार नहीं था, किसी भी वर्ग की महिला हो, ऊंची जात की हो या दलित समाज की हो, किसी समाज की महिला को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। चाहे ब्राह्मण के घर की महिला हो, क्षत्रिय के घर की महिला हो, वैश्य व्यापारी के घर की महिला हो, आदिवासी गरीब और पिछड़े घर की महिला हो, किसी को भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। आज हमारी बेटियां पढ़ लिख करके मन पर बैठ रही है, आपका नेतृत्व भी कर रही है, लेकिन जिसमें सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी पैदा हुए उसमें हमारी बहन और बेटियों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। वो संघर्ष किया ज्योतिबा फुले जी ने, सावित्रीबाई फुले जी ने, छत्रपति साहू जी महाराज जी ने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, एक रामस्वामी मांगकर नारायण गुरु संत गाड़ी जी ने और साथियों उसी का नतीजा हुआ। जब हमारे महापुरुष ने लड़ाई लड़ी उसमें अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे महापुरुषों के साथ बैठक किया और ये वही महापुरुष लोग हैं जिन लोगों ने इस देश की महिलाओं को पढ़ने लिखने का कल अंग्रेजी हुकूमत को झुका करके दिलाने का काम किया। आप ये भी जानते हैं कि जो आदिवासी गरीब और पिछड़े भारतीय संविधान के पहले जिसको शूद्र कहा जाता था उनको भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, यह भी अधिकार इन्हीं महापुरुषों ने दिलाया। ज्योतिबा फुले जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो संघर्ष किया और ज्योतिबा फुले जी ने पहला स्कूल खोला 1848 में पूना में पहला विद्यालय खोला, तो खुशी की बात यह है कि जब स्कूल खुला 7 बेटियों ने पहली बार दाखिला लिया तो 7 लड़कियां, खुशी की बात है कि जो लोग इनको शिक्षा का अधिकार नहीं देते थे उन्हीं घर की बेटियां थी, 7 बेटियां पहला स्कूल खुला तो 7 का दाखिला जो हुआ था वो ब्राह्मण परिवार की लड़कियां थी जिन्होंने शिक्षा की शुरुआत हमारे महापुरुषों ने की। इस कार्यक्रम के आयोजक भाई गुजरनाथ काशी जिसको बहुतों ने धमकाया चमकाया देख लेने की धमकी दी, हमारे पूरा का पूरा पुलिस विभाग के बहुत से हमारे पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी बचे,
गुर्जर राज पासी पर कोई भी आ जाएगी तो यहां की पुलिस जवाबदेह होगी, क्योंकि शारीरिक रूप से उनको इस जवाब की जानकारी मिल रही है। माननीय मंत्री जी जिंदाबाद, माननीय स्वयं प्रधानमंत्री, माननीय मंत्री जी। इसके साथ ही सर भाई गुर्जरराज पासी जी, प्रमोद गौतम जी, प्रभात यादव जी, इन सभी को जो हमारे नौजवान साथियों ने मिलकर इस कार्यक्रम को संपन्न कराया, आज कटाई भाई का बहुत तेज दौर चल रहा है। रोज बादल आता है, किसान के मन में भय हमेशा रहता है, कब पानी को रुक जाएगा, हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इसके बावजूद विपरीत परिस्थितियों में भी आप लोगों की इकट्ठा करके जो एक सफल कार्यक्रम किया है, इसके लिए भाई गुर्जर राजवासी प्रमोद गौतम और महान यादव को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देते हुए